अस्सलाम वालेकुम। बचपन की यादें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, सबकी होती हैं। ये है वो घर जिसमें हम आया करते थे, नाना बू का हमारा घर था, नाना नन्ना का। और ये है जी G93 के अंदर हम यहाँ पर आया करते थे। हमारी बड़ी यादें हैं यहाँ से, इस दरख्त से बड़ी यादें हैं। इसमें से पाइन गिरता था और हम एक दूसरे को मारा करते थे, खेलते थे। नाना का मेरा इंतकाल हुआ था 2021 में ही, अर्ली 2021। तो हम यहाँ पर बड़ी यादें हैं हमारी। अस्सलामुअलैकुम। ये दो पोर्शंस में था घर, ये ऊपर जाने का रास्ता था। ये हमारे मामू जो थे वो यहाँ पे इस कमरे में होते थे। और ये टीवी लॉन्ज होता था, ये उनका डाइनिंग, ये आज तक है। ये बहुत पुरानी अलमारी थी, ये सोफ़ा था ड्राइंग रूम। और यहाँ मुझे याद है कि इनकी वो होती थी बुक शेल्फ, और ये उन्होंने विंडो बनाई हुई थी जिसे खाना दिया करते थे। मुझे एक्सप्लोरिंग उस ज़माने में यही इन था। ये किचन फ्रिज होता था यहाँ पर, और आई कैन अश्योर यू कि ये जो स्टोव लगा हुआ है ये वैसे ही उतना ही पुराना है। और जनाब अली ये जो था वो हमारा बैकयार्ड था, हमारा तो नहीं, नाना बू का। और यहाँ पर एक कमरा होता था स्टोर के तौर पे जो इस्तेमाल होता था, वो अभी तोड़ दिया गया है। ये एक कमरा था नाना बू का, मास्टर बेडरूम। किसी ने बड़े अच्छे एक शेर कहा था, वो कहा था ये कि खुदा मुझ पर इतना करम कर जिस मकान में मैं रहता हूँ उसको घर कर। तो ये बहुत अरसे तक एक घर बना रहा। मकान तो कुछ नहीं होता सिवाय इसके कि उसमें गारा मट्टी होती है, लेकिन लोग उसको घर बनाते हैं। हमारी बड़ी यादें हैं। तो ये एक बाथरूम जो था वो अटैच था दोनों का। ये नाना बुगी वो थी अलमारी, और उन्होंने इसमें ड्रेसिंग टेबल बनाई हुई थी और कुछ पैकेजिंग का सामान रखा हुआ है। यहाँ पर इनका फ़ोन होता था इस साइड पर, कुछ यहीं पर ही होता था। डीबी थी ऊपर जाने का रास्ता। तो लोग चले जाते हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बहुत ही अच्छे मेरे नाना, मेरी नानी, बहुत ही अच्छे लोग, अल्लाह ताला दोनों की मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। सामने स्कूल था और बहुत दुआएं हैं उनके लिए, अल्लाह ताला उनके सारे मराहिल आसान फरमाए। जन्नतुल फिरदौस में इंशाल्लाह उनसे मुलाकात करवाए हमारी इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।